उन्होंने कहा कि हम क्या करें, गलती तो हो गई। कहा गलती हुई है तो गलती की सजा कौन भुगतेगा? जो संपूर्ण दंड देने वाला और सबके प्रति न्याय करने वाला हो, अगर वही गलत हो जाए तो उसको तो सजा कठिन देनी चाहिए। बड़ी मजे की बात, धर्मराज ने तुरंत साहस स्वीकार कर लिया। कहा प्रभु आप जो सजा दे रहे हैं, जो भी आप सजा देना चाहे मैं उसे साहस स्वीकार करता हूं, क्योंकि गलती तो हुई। ये साथ तो प्रमाण देता है कि गलती किसी से भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर नासमझ गलती करता है तो क्षम्य होता है, लेकिन जो समझदार जानबूझ करके गलती करता है वो क्षमा का कहीं से, अगर वो चाहे कि क्षमा मिल जाए तो क्षमा के योग्य नहीं होता। प्रेम से बोले मां के भी हरिला तो उसी समय मृगंड ऋषि ने कहा कि धर्मराज जाओ, 100 वर्ष तक तुम शूद्रयोनि में जन्म ले लो, और जन्म लेने के पश्चात 100 वर्षों तक तुम दिन प्रतिदिन अपमान सहते रहो। कितनी सजा, कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारा ख्याल रखेगा, कौन हमें सद्मार्ग बताएगा? कुछ अंदर हम नहीं रहेंगे। जिस समय श्याम सुंदर के गमन की बात सुनती है, कुंती जी का वही तुरंत ये शरीर को त्याग करके कुंती जी यही छोड़ करके परमपिता परमेश्वर के चरण में चली जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर भी विचार करते हैं कि अभी यहां रहने योग्य नहीं रहा, तो हमारे श्याम सुंदर चले गए, अब राजघाट को मैं भी छोड़ करके हम लोग भी अब नारायण के शरण में चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कुछ समय में सेनापतियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और राजा परीक्षित का राजोचित ढंग से सुनकर राज्याभिषेक किया। लेकिन यहाँ पर जब धर्मराज जी पहुंचते हैं, ना तो चाचा जी का पता है, ना चाची जी का कुछ पता लगा। अबे धर्मराज युधिष्ठिर विचार करते हैं कि आगे गए कब, लोगों से पूछते हैं अरे हमारे चाचा जी कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं लगता है। तो उसी समय फिर मेरे आते हैं और आकर के समझाते हैं कि देखो ये तीसरा पल भी आ गया था और मोह माया सब कुछ त्याग करके ये लोग वन की तरफ प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोले आनंद कंद श्री कृष्ण कंद भगवान की जय हो। इधर कुछ समय व्यतीत हुआ कि हमारे अरविंद जी जो श्याम सुंदर जी को छोड़ने जो है द्वारिका गए थे, लौट के नहीं आए थे। बड़ा समय व्यतीत हो गया था। और इधर क्या होता है कि हमारे युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर जी को नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। कहीं रात में पिछल तारा दिखाई पड़ जाए, चार बोलने लगे, बड़े बड़े विचित्र विचित्र जीवों की आवाजें निकलने लगी। जब बहुत अपशगुन होने लगा तो इनके मन में संदेह